नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। में राखी है मां नंदा देवी डोली पूजन, जो कि आने वाली 4 सितंबर को गढ़वाल सभा भवन में आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं बीस्ट साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं कि ये किस तरह का समारोह है, क्या कुछ होने वाला है इस डोली पूजन में और किस तरह से ये यात्रा निकाली जाएगी। तो आइए जानते हैं बीस्ट साहब से। धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 का। मैं BS बिस्ट, अध्यक्ष उत्तराखंड पिंडर घाटी जनसभा रजिस्टर चंडीगढ़ की ओर से 4 तारीख को मां नंदा राजेश्वरी, जो उत्तराखंड की आराध्या देवी है, ये विभिन्न शहरों से होते हुए 3 तारीख रात्रि विश्राम के लिए चंडीगढ़ पहुंच रही है और 4 तारीख को गढ़वाल भवन सेक्टर 29 में बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। और ये जो यात्रा है उत्तराखंड के जिला चमोली सिद्धपीठ कुरूड़ से ये यात्रा शुरू होती है और ये यात्रा लगभग 280 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है। ये रूपकुंड तक हर साल की यात्रा होती है और 12 साल बाद ये यात्रा होमकुंड तक होती है। तो इसी के उपलक्ष्य में जो मां नंदा राजेश्वरी की ये डोली है इस समय चंडीगढ़ आ रही है, तो सभी हमारे जितने भी सहयोगी संस्थाएं हैं, चमोली पर्वतीय विकास परिषद, उत्तराखंड जन कल्याण समिति, उत्तरांचल वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे सभी सहयोगी संस्थाएं अपने जोर शोर से हर्ष उल्लास से माता के स्वागत के लिए सभी लोग जो है इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर, ये जो भव्य आयोजन की आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है इस आयोजन में? इस आयोजन में जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, हमारी इष्ट देवी कहलाती है, इसके प्रति जो हम सभी उत्तराखंड वासियों का, हम लोग हर साल ये प्रोग्राम को चंडीगढ़ में करते हैं और इसी के क्रम में भी हम लोग इस यात्रा को करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे शोभा यात्रा, कलश यात्रा सेक्टर 30 काली माता मंदिर से शुरू होगी और गढ़वाल भवन में समापन होगा। 1 बजे भंडारे का व्यवस्था की गई है और 2 बजे से माता की डोली का पूजन समारोह इसमें होगा। और इसके जो हमारे लोक गायक हैं, श्री दिगंबर सिंह बिष्ट जी जो माता के गाने गाते हैं, वो उत्तराखंड से हमारे बीच में होंगे। सर, ये जो डोली है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम हर साल ये आयोजन करते हैं और ये 12 साल में एक बार निकाली जाती है, तो ये जो आप विभिन्न प्रदेशों से आप बता रहे हैं कि छोटे छोटे गाँवों से कस्बों से होकर निकलती है 280 किलोमीटर जैसे आप बता रहे हैं, तो इसको कितने दिन लगते हैं, क्या कुछ इसकी कोई समय सीमा निर्धारित है कि साल में ये किस समय पर मनाई जाती है और क्यों? सबसे पहले जो मां नंदा राजेश्वरी है, मैंने पहले भी बताया कि ये हमारी इष्ट देवी है और ये जन्माष्टमी के दिन ये माता की डोली जो है भादो के महीने ये मां पार्वती जो है कैलाश के लिए अपने ससुराल के लिए जाती है और माता का जो मायका है वो चमोली के कुरूड़ गांव में है और ससुराल जो है कैलाश पर्वत के लिए डोली हर साल छोटी यात्रा होती है। 12 साल में ये बड़ी यात्रा होती है जब देश विदेश से सभी लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो यात्रा है मां नंदा देवी की, ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ इसका अंत किया जाता है, किस तरह से ये यात्रा है जो चलती है? मां नंदा देवी की यात्रा
जिला चमोली के सिद्धपीठ कुरूड़ से शुरू होती है। ये यात्रा 80-85 गाँव के बीच में पैदल यात्रा होते होते ये जो छोटी यात्रा है ये लास्ट में रूपकुंड पहुंचती है। जिस दिन रूपकुंड पहुंचती है तो वहाँ पे बहुत ही 80 गाँव लोग होते हैं, ये भव्य प्रोग्राम करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो माँ नंदा है ये अपने मायके से ससुराल आई है, तो जब बेटी ससुराल में आती है तो वहाँ बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होते हैं, बड़े गीत चलते हैं, संगीत चलते हैं, जागर चलते हैं, तो ये प्रोग्राम वहाँ पे किए जाते हैं। तो जो ये रूपकुंड है इसका नाम रूपकुंड इसलिए पड़ा, जब माँ नंदा कैलाश पर्वत को जा रही थी तो रास्ते में माँ नंदा को प्यास लगने लग गई थी, तो वहाँ पे उनने भोले बाबे को कहा कि मुझे प्यास लग गई है। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ना कोई जंगल है ना कोई पानी है, तो उन्होंने क्या किया वहाँ पे अपना त्रिशूल गाड़ा और वहाँ पे एक कुंड आकार का पानी जो है पूरा भर गया। तो माता जी जो है पानी पीने के ले गई तो उनने देखा ये तो मेरा ही चेहरा इसमें दिख रहा है, तो वहाँ पे देखा कि ये तो मेरा चेहरा पूरा दिख रहा था, उसी के नाम से उन्हें रूपकुंड पड़ गया। तो रूपकुंड की जो यात्रा होती है हर साल छोटी यात्रा होती है, बड़ी जो यात्रा होती है वो 12 साल में होमकुंड तक होती है, वो भी पैदल यात्रा है, बहुत कठिन यात्रा है। और उस यात्रा में 12 साल तब होती है जब वहाँ एक 4 सिंह वाला जो है भेड़ पैदा होता है, वो आगे आगे चलता है, लास्ट में होमकुंड में समापन हो जाता है। ये माता की डोली का ये बहुत बड़ा रहस्य है।